क्या असदुद्दीन जी कभी सुने मुझे औरतों से कहते हुए कि बुर्का मत पहन? क्या असदुद्दीन जी कभी सुने मेरे मुंह से कहते हुए आपको पढ़ाई मत करिए? क्या असदुद्दीन जी सुने मेरे मुंह से ये कहते हुए कि आप दब जाओ, कितने भी तलाक हो जाए शादियां कर लो, फिर तलाक ले लो आप? हम जो मुसलमान पसमंद औरतों के पास जाते हैं उनसे ये बात कहते हैं कि आप ये रेशन ले लो, ये मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, मेडिसिन ले लो, आप पढ़ो लिखो, अच्छे हो जाओ, तरक्की करो, जो जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर फिरते हैं, क्या वो लोग हमको बदनाम नहीं कर रहे? जो चाहिए अपने लिए बात करना आदत हो गया उनको, निकलेगा नहीं ये आदत तक, हम भी दिखा देंगे। कभी भी किसी भी औरत को ये नहीं कहा कि आप बुरका मत पहनो, लेकिन हमने ये कहा है हाँ अपना वजूद बनाओ, तरक्की करो। क्या असदुद्दीन जी कभी सुने मुझे औरतों से कहते हुए कि बुरका मत पहनिए? क्या असदुद्दीन जी कभी सुने मेरे मुंह से कहते हुए आपको पढ़ाई मत करिए? क्या असदुद्दीन जी सुने मेरे मुंह से ये कहते हुए कि आप दब जाओ, कितने भी तलाक हो जाए शादियां कर लो, फिर तलाक ले लो आप, अरबों से शादी होके चले जाओ आप, गरीबी के दलदल में मर जाओ आप? कभी कहा मैंने ये सारे बात किसी भी मुसलमान औरतों से? हम जो मुसलमान पसमंद औरतों के पास जाते हैं उनसे ये बात कहते हैं कि आप ये रेशन ले लो, ये मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, मेडिसिन ले लो, आप पढ़ो लिखो, अच्छे हो जाओ, तरक्की करो, और उनके लिए हम कॉलेज के फीस भरते हैं, उनके लिए कुछ हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं, हम टेलरिंग औरतों के लिए उनके लिए काम देते हैं, उससे पैसे दिलवाते हैं, और हम बदनाम कर रहे हैं। जो उन्हों कहते हैं कि उनको अभी थ्रेट है, तो उन्हों बदनाम नहीं कर रहे हमें, बदनाम नहीं कर रहे। जो जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर फिरते हैं, क्या वो लोग हमको बदनाम नहीं कर रहे? जो चाहिए अपने लिए बात करना आदत हो गया उनको, निकलेगा नहीं है आदत, तभी हम भी दिखा देंगे कि किस प्रकार से ये लोग खुद के कौम के औरतों को दलदल में फेंक कर। अरे भाई मैं बार बार यही पूछती हूं कि एक औरत जब जन्म लेती है मरने तक क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए? ऐसा भी कोई इंसान जी है, ऐसा भी कोई इंसान थी, इतनी तरक्की की है, पढ़ी लिखी है। अरे हमारे सामने सानिया मिर्जा जी हैं, शबनाजमी है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो तरक्की कर कर आगे निकल गए हैं, तो आपका मतलब ये लोग सही नहीं थे? हमने कभी भी किसी भी औरत को ये नहीं कहा कि आप बुरका मत पहनो, लेकिन हमने ये कहा है हाँ अपना वजूद बनाओ, तरक्की करो। आप भी हमारे जैसे इस भारत देश की बेटी हो, और आपको किसी प्रकार का भी कोई से आपको किसी प्रकार का भी नष्ट ना आना चाहिए, और आपके ऊपर जाति नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, उसके प्रति आपको आवाज उठाना आपका हक है। हम लोगों का उनका हक सिखाते हैं, उनका मजहब के बारे में कुछ बात नहीं करते।